हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल साइंस में। आज हम बात करने वाले हैं फिमोरल शीथ और उसके बाद फिमोरल कैनाल की। सबसे पहले अगर हम बात करें फिमोरल शीथ की, तो इसकी शेप कैसी होती है? तो ये ना फनल शेप की होती है, फनल शेप की है। अच्छा, फनल शेप की तो है, लेकिन होती कहाँ पे है? हमने बात की थी फिमोरल ट्राइंगल की। फिमोरल ट्राइंगल की जब हमने बात की थी, तो हमने ये वाला डायग्राम देखा था फिमोरल ट्रायंगल में, ठीक है? तो फिमोरल ट्रायंगल, ये हमारा फिमोरल ट्रायंगल था, ये सार्टोरियस थी लेटरली, इमीडियली एडक्टर लॉन्गस थी, ऊपर की तरफ इंग्विनल लिगामेंट था, ठीक है? तो उसके अंदर हमने कंटेंट की बात की थी, एक फिमोरल आर्टरी थी, एक फिमोरल वेन थी। तो जो ये फिमोरल आर्टरी और वेन है ना, इसका जो अपर तीन से लेकर 4 सेंटीमीटर जो है उसको कवर करती है एक शीत, उसे बोलते हैं फिमोरल शीथ। मतलब ऊपर का जो 3 to 4 सेंटीमीटर है उसको कवर कर रही है ये शीथ, किसका? फिमोरल वेसल्स का। तो कहाँ से शुरू हो रही है? इंग्विनल लिगामेंट के नीचे से, तो ये फिमोरल शीथ होगी। अच्छा, फिमोरल शीथ की अगर हमने बात यहाँ पे शुरू की है, तो इसमें इसकी फॉर्मेशन और देखते हैं। तो एक्सटर्नल ओब्लिक, ये इंटरनल ओब्लिक है, ये ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस, ये एब्डोमेन की मसल्स में हमने पढ़ा था रेक्टस शीथ में, ठीक है? तो जो ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस है उसको जो नीचे से फाशा कवर करता है उसे बोलते हैं फाशा ट्रांसवर्सैलिस। और जो एक मसल है इलियाकस, उसको ऊपर से एक फाशा कवर करता है, उसे कहते हैं फाशा इलियाका, ठीक है? ये दोनों फाशा नीचे आते हैं, आगे की तरफ क्या आ रहा है? फाशा ट्रांसवर्सैलिस, ये एंटीरियर है और ये पोस्टीरियर है। हम साइड व्यू देख रहे हैं, लेटरल से देख रहे हैं हम इसको। तो ये फाशा ट्रांसवर्सैलिस क्या है? ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस के नीचे वाला फाशा, और जो इलियाकस मसल के ऊपर वाला फाशा है उसे बोलते हैं फाशा इलियाका। ये दोनों नीचे एक्सटेंड होके क्या बना देते हैं? फिमोरल शीथ। तो ये होगी हमारी फिमोरल आर्टरी। वेन नहीं दिख रही क्योंकि लेटरल से देख रहे हैं, वेन मीडियली होती है। तो ये था इंग्विनल लिगामेंट, नीचे फाशा लाटा, उसके पीछे क्या है? ये फाशा ट्रांसवर्सैलिस जो नीचे आ गया, ये हमारी फिमोरल आर्टरी और ये है फाशा इलियाका। तो ये जो फाशा ट्रांसवर्सैलिस और फाशा इलियाका मिलके यहाँ पे बना रहे हैं ना, इसे ही बोलते हैं फिमोरल शीथ, ठीक है? तो फिमोरल शीथ क्या करता है? ये अपर 3 to 4 सेंटीमीटर कवर करता है ऑफ फिमोरल वेसल्स, फिमोरल वेसल्स के, ठीक है? तो अपर जो 3 to 4 सेंटीमीटर फिमोरल वेसल्स का, उसको कवर करती है ये शीथ। फिमोरल शीथ शेप है फनल शेप, कुछ ऐसी शेप इसकी होती है। तो ये क्या है? एसिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल क्यों? क्योंकि लेटरल वॉल जो होती है इसकी वो वर्टिकल होती है, और जो मीडियल वॉल है वो ओब्लीक होती है, ठीक है? ओब्लीक है और किस तरफ जा रही है? लेटरल साइड पे जा रही है, डाउनवर्ड एंड लेटरली जाती है। एसिमेट्रिकल क्यों? क्योंकि इसकी जो लेटरल लेटरल की साइड क्या होती है? ये वर्टिकल होती है, और मीडियल साइड पे क्या होती है? ओब्लीक होती है, ठीक है? और कैसे जाती है? डाउनवर्ड एंड लेटरली जा रही है। अब फिमोरल शीथ की दो वॉल्स होती हैं, एक इसकी होती है एंटीरियर वॉल, ठीक है, और एक होती है इसकी पोस्टीरियर वॉल। तो इसकी एंटीरियर वॉल कौन बना रहा है? इसकी एंटीरियर वॉल बनाता है, हमने बात कर चुके हैं इस बारे में, फाशा ट्रांसवर्सैलिस। और पोस्टीरियर वॉल कौन बना रहा है? पोस्टीरियर वॉल बना रहा है फाशा इलियाका। वो दोनों नीचे की तरफ एक्सटेंड करते हैं और फिमोरल शीथ की एंटीरियर और पोस्टीरियर वॉल बनाते हैं। अब शेप की, अब इसकी एंटीरियर पोस्टीरियर वॉल की बात करने के बाद अब बात आती है कि इसके 3 कंपार्टमेंट्स होते हैं। फिमोरल शीथ के 3 कंपार्टमेंट्स भी होते हैं। कौन कौन से 3 होते हैं? 3 कंपार्टमेंट होते हैं, एक होता है लेटरल, एक होता है इंटरमीडिएट और एक होता है मीडियल। तो एक हो गया हमारे पास लेटरल, एक हो गया इंटरमीडिएट और एक हो गया मीडियल। तो हमने 3 कंपार्टमेंट बोले, एक होता है लेटरल, एक इंटरमीडिएट और एक मीडियल। मीडियल साइड पे जो होता है उस कंपार्टमेंट को बोलते हैं लिम्फेटिक कंपार्टमेंट, क्योंकि वहां पे लिम्फ नोड होती है,
लिम्फेटिक कंपार्टमेंट, इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट को बोलते हैं वेनस कंपार्टमेंट क्योंकि वहाँ पे फिमोरल वेन होती है, और लेटरल साइड पे आर्टरी होती है इसलिए इसको आर्टेरियल कंपार्टमेंट भी बोल देते हैं। ठीक है, तो लेटरल को आर्टेरियल बोलते हैं, इंटरमीडिएट को वेनस बोलते हैं और मीडियल को लिम्फेटिक कंपार्टमेंट बोलते हैं। लेटरल साइड में क्या आ गया? लेटरल साइड में दो चीज़ें आती हैं, एक आती है फिमोरल आर्टरी और दूसरी एक नर्व आती है जिसका नाम है फिमोरल ब्रांच ऑफ द जेनाइटो फिमोरल नर्व, जो हमने कंटेंट में भी बात की थी फिमोरल ट्राइंगल के, फिमोरल ब्रांच ऑफ द जेनाइटो फिमोरल नर्व। ठीक है, इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट में क्या आएगा? फिमोरल वेन आएगी क्योंकि वेनस कंपार्टमेंट बोलते हैं इसको, और जो मीडियल कंपार्टमेंट है इसी को हम क्या बोल देते हैं? इसको हम बोलते हैं फिमोरल कैनाल। ठीक है, इसको हम फिमोरल कैनाल बोलते हैं क्योंकि ये खाली होता है। अब डायग्राम में अगर हम इसको देखें तो इस डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो ये है हमारी फिमोरल आर्टरी होगी, ये है लेटरल साइड और ये है मीडियल साइड, सामने से हम देख रहे हैं। तो फिमोरल आर्टरी लेटरली बीच में क्या आ गया? फिमोरल वेन, और मीडियल साइड पे क्या आ गया? खाली है, इसको क्या बोल देते हैं? फिमोरल कैनाल। और यहाँ पे एक लिम्फ नोड होता है उसकी हम बात करेंगे। फिमोरल आर्टरी क्या बना रही है? लेटरल कंपार्टमेंट, मीडियल कंपार्टमेंट जो बना रहा है वो फिमोरल कैनाल, और इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट को वेनस कंपार्टमेंट भी बोलते हैं क्योंकि इसमें वेन आती है, और आर्टरी के जस्ट अबव एक नर्व भी जाती है उसे कहते हैं फिमोरल ब्रांच ऑफ द जेनाइटो फिमोरल नर्व, और ये ग्रीन कलर में क्या हो गया? ये हो गया फिमोरल शीथ। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे फिमोरल कैनाल की। फिमोरल कैनाल अभी हमने डायग्राम में देखा, फिमोरल कैनाल की शेप कैसी दिखाई दे रही है आपको? ये कैसी शेप दिखाई दे रही है? कॉनिकल शेप है। तो फिमोरल कैनाल की शेप कैसी है? कॉनिकल शेप। कोन भी कैसा? उल्टा कोन है, इस तरह से कुछ इस तरह से है। ठीक है, तो कॉनिकल शेप है इसकी, बेस ऊपर की तरफ है और नीचे की तरफ ही नैरो है। तो इसका जो लेंथ होती है फिमोरल कैनाल की वो 1.5 सेंटीमीटर होती है, और इसका जो बेस होता है वो भी 1.5 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो दोनों चीज़ें क्या हो गई? 1.5 1.5, ये क्या होगी? लेंथ, और ये हो गया बेस। ठीक है, लेंथ जो फिमोरल कैनाल की और बेस फिमोरल कैनाल का। अब जो इसका बेस जो है ना फिमोरल कैनाल का, उसको हम बोलते हैं फिमोरल रिंग। तो जो बेस है उसको बोलते हैं फिमोरल रिंग। किसका बेस? कैनाल का जो बेस है उसको हम बोल देते हैं फिमोरल रिंग, क्योंकि वो रिंग की शेप का होता है। अब जो फिमोरल रिंग है इसमें इंपॉर्टेंट आती है इसकी बाउंड्रीज। ठीक है, तो इसकी हम चार बाउंड्रीज की बात करेंगे, एक एंटीरियरली, ठीक है, एक बात करेंगे पोस्टीरियरली, एक लेटरली और एक मीडियली। ठीक है, तो एंटीरियर बाउंड्री जो है फिमोरल रिंग की, आगे की तरफ कौन बना रहा है? इंग्वाइनल लिगामेंट ही इसकी एंटीरियर बाउंड्री बनाता है, क्योंकि इंग्विनल लिगामेंट के नीचे से शीत शुरू होती है ना, तो इंग्विनल लिगामेंट बनाता है इसकी एंटीरियर बाउंड्री। पोस्टीरियर बनाती है पेक्टिनियस एंड इट्स फाशा, मतलब पेक्टिनियस और उसका फाशा मिलके बनाता है इसकी पोस्टीरियर बाउंड्री। किसकी? फिमोरल रिंग की बात कर रहे हैं। लेटरल बाउंड्री कौन बना रहा है? लेटरली हमारे पास क्या था? फिमोरल, इसके लेटरल में क्या है? फिमोरल वेन है, तो लेटरल बाउंड्री बनाता है सेप्टम जो सेपरेट कर रहा है उसको, सेप्टम सेपरेटिंग इट फ्रॉम किससे सेपरेट कर रहा है? फिमोरल वेन से। ठीक है, तो वो लेटरल बाउंड्री बनाएगा, और मीडियल में आती है लैक्यूनर लिगामेंट। लैक्यूनर लिगामेंट क्या है? ये एक्सटेंशन है किसकी? इंग्विनल लिगामेंट की। ठीक है, तो ये हमने बात की किसकी? फिमोरल रिंग की। अब फिमोरल कैनाल का कंटेंट क्या है? इसका कंटेंट क्या है? इसमें आता है लिम्फ नोड, हमने बात की थी लिम्फ नोड ऑफ
क्लोकेट या फिर रोजन मूलर। तो लिम्फ नोड ऑफ क्लोकेट या फिर रोजन मूलर जो है वो आता है इसके कंटेंट के अंदर, मतलब फिमोरल कैनाल के अंदर। कॉनिकल शेप होती है, 1.5 सेंटीमीटर लेंथ, 1.5 सेंटीमीटर बेस। बेस को बोलते हैं फिमोरल रिंग, जिसकी हमने बात की बाउंड्रीज की। एंटीरियर बाउंड्री बनाते हैं इंग्विनल लिगामेंट, पोस्टीरियर बाउंड्री बनाता है पेक्टिनियस और उसका फाशा, लेटरल बाउंड्री बनाता है कौन, सेप्टम सेपरेटिंग इट फ्रॉम द फिमोरल वेन, और मीडियली आता है हमारा लैक्यूनर लिगामेंट जो किसकी एक्सटेंशन है, इंग्विनल लिगामेंट की एक्सटेंशन है। तो ये हमने बात की किसकी, फिमोरल शीथ की और उसके बाद फिमोरल कैनाल की। तो फिमोरल शीथ में हमने पढ़ा था क्या, कैसी शेप थी, फनल शेप थी, कैसी थी, एसिमेट्रिकल। क्यों एसिमेट्रिकल, यहाँ से वर्टिकल है लेटरली और मीडियली ऑब्लिक है, एसिमेट्रिकल होगी। एंटीरियर वॉल कौन बना रहा था, फाशा ट्रांसवर्सलिस, पोस्टीरियर वॉल फाशा इलियाका। तीन कंपार्टमेंट पढ़े, लेटरल कंपार्टमेंट, इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट और मीडियल कंपार्टमेंट। मीडियल कंपार्टमेंट को ही हमने फिमोरल कैनाल कहा था और उसके बाद हमने फिमोरल कैनाल पढ़ा। तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे फिमोरल हर्निया की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।